हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम ब्लॉगर आगरा। सो गाइस, आज है हमारा स्पेशल डे, तो बस वही सेलिब्रेट करने के लिए डीएम सिस्टर्स निकल पड़ी हैं घर से। आपको तो पता ही है कि मतलब कोई भी स्पेशल डे होता है, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो छोटी छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो बस वही सेलिब्रेट करने के लिए आ गए हैं हम। देखिए आज हम कहाँ आए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं और शौर्य, देखिए आप। तो इस बार ना भव्य ने बोला कि जहाँ हम हमेशा जाते हैं टेम्पटेशन, तो भव्य बोला कि अभी मतलब हमें वहाँ नहीं जाना है, माँ पापा आज ना कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो बस फिर यहाँ पे शौर्य हमें लेके आए हैं पिंच ऑफ स्पाइस, तो काफ़ी अच्छा खाना है इसका। आपने गाइज, अगर आप कभी यहाँ पे आए हो और आपको इसका खाना कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर नहीं आए हो तो डेफिनेटली यहाँ पे विज़िट करें, काफ़ी अच्छा खाना है इसका। शौर्य आते हैं अपने दोस्तों के साथ, कई बार आए हैं यहाँ पे, तो उन्हें अभी खाना अच्छा लगा। और जो पीछे से एक मतलब वो सौंफ वगैरह जो लेते हैं ना हम, तो उसके बदले ये ना कुछ लिक्विड रूप में देते हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो भव्य को बताया होगा भव्य के पापा ने, तो बस वो वही पीने के लिए आया था, बाकी का उसे कुछ मतलब नहीं है खाने वाने से। तो यहाँ पर सब सूप पी रहे हैं, आद्या को बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाओ तो पहले सूप ऑर्डर कर देगी। और ये केक के साथ क्राउन आए हुए थे, तो हमने एक आद्या के लगा दिया, दूसरा भव्य के लगा दिया, और यहाँ पर आ गया गाइस हमारा केक। तो बस अब यहाँ पर केक कट होने वाला है। गाइज, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना गाइज, क्योंकि तभी डीएम सिस्टर्स के ब्लॉग देख पाओगे आप सबसे पहले। तो चलिए केक कट करते हैं और आप भी हमारी खुशियों में हो जाइए शामिल। तो यहाँ पर केक कट होने ही वाला था, तब तक ननद रानी का यहाँ पर फ़ोन आ गया, तो मैं फ़ोन पर बात भी कर रही हूँ और केक कट भी कर रही हूँ, तो मैंने जल्दी फ़ोन रख दिया क्योंकि ना तो मुझे जल्दी हो रही थी। तो फिर थोड़ी सी बात की मैंने, उन्होंने विश किया, मैंने थैंक यू कह के, मैंने कहा बाद में बात करते हैं, तो थोड़ी देर ही बात करी थी। और उनका फ़ोन भी ऐसे टाइम पे आया, सुबह से नहीं आया क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था, फिर याद आया फेसबुक पे मुनन ने डाला था, व्हाट्सअप पे, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं होगा, हो सकता है, बट आ तो गया ही, क्योंकि भव्य के बर्थडे पर तो उन्हें याद ही नहीं रहा। भव्य बोल रहा था बुआ ने मुझे विश ही नहीं किया, तो चलो ये कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर केक कट हो चुका है और अब आती है एक दूसरे को खिलाने की बारी। ये देखिए सब बारी बारी से केक खिलाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब मतलब आप लोगों का स्पेशल डे होता है ना, तो ये केक खिलाने वाली जो बारी आती है, तो आपको कैसा फील होता है, किस किस मतलब अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है किस किस को खिलाऊँगा, कन्फ्यूज़ हो जाती हो कैसे खिलाऊँ। तो बस यहाँ पर एक दूसरे को केक खिलाते हुए, तो आद्या ने अपना क्राउन रख दिया क्योंकि उसे नहीं लगाना, उसकी जो हेयर स्टाइल है ना वो ख़राब हो जाएगी, तो उसने रख दिया। बस भव्य ने अपना पहना हुआ है, तो हम छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं और मतलब अपना फुल फैमिली एंजॉय करते हैं, खूब सारा ढेर सारा वाला, क्योंकि हमें करते रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों से ही ना हमें अच्छा लगता है, छोटे छोटे जो पल होते हैं उन्हें सजोए रखना और कैमरे में कैद कर देना, क्योंकि ये यादें हैं ना। तो जब हम कभी भी मतलब उदास होते हैं या फिर जब भी देखने का मन होता है कि पिछली बार हमने कैसे सेलिब्रेट किया था, तो बस यही वीडियो निकाला और देखने लग जाते हैं। हमें तो भाई बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, आपको कैसा लगता है कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। भाई यहाँ पर तो आ गया है हमारा खाना, तो चलिए खाना खाते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे है दाल मखनी, पाइनएप्पल रायता एंड कढ़ाई पनीर। आद्या को कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, तो बस उसे तो पनीर खाना ही होता है, चाहे वो बटर पनीर मसाला हो या फिर कोई सा भी पनीर की मतलब सब्जी कोई सी भी हो, उसे खानी होती है। तो बस सबका लग गया यहाँ पे खाना, खाना एंजॉय करते हैं। और फिर हम ये देखिए भव्य, पता है क्या, खाने से पहले हम सबकी हैबिट है कि हम अपनी प्लेट ना टिश्यू लेके मतलब मैं तो साफ़ करती हूँ, तो बस यहाँ बच्चे भी हमसे सीख गए हैं, तो बस भव्य भी वही कर रहा था, अपनी प्लेट टिश्यू लेके साफ़ कर रहा था, स्पून वगैरह। तो मेरी तो आदत है,
मेरी क्या, हम सबकी अब हैबिट है, हम सब जाते हैं सबसे पहले यही काम करते हैं। फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे डीएम सिस्टर्स आ गई हैं, यहाँ पे हमने रील्स बनाई, थोड़ी सी शॉर्ट्स भी बनाई। तो बच्चों को कन्वेंस करना पड़ता है ये सब।